नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे इंडिया मार्ट के बारे में। इस स्टॉक की बात करें दोस्तों, तो इस स्टॉक में देखा जाए तो बहुत सारे ट्रेडर दोस्तों फंस गए हैं। फंसे होने का मतलब अगर आज की भी बात करते हैं तो आज के दिन ये स्टॉक लगभग देखा तो 4% की गिरावट देखने को मिला है दोस्तों, और आखिरी क्षण तक इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। और कंपनी की बात करें तो ये कंपनी 50% के ऊपर, मतलब देखा तो लगभग 52-53% ये कंपनी आप रफली जो है कि 55% के आसपास पकड़ सकते हैं। ये कंपनी अभी तक जो है कि डाउन हो गई। बहुत सारे ट्रेडर दोस्तों इस स्टॉक को 10,000 के लेवल तक बाइंग करके दोस्तों वहां से देखा है तो अभी तक इस स्टॉक में गिरावट हो रही है। बहुत सारे ट्रेडर फंसे हैं जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे, और अभी इस स्टॉक को दोस्तों बाइंग करना चाहिए इस गिरावट में या नहीं करना चाहिए दोस्तों, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। चलिए स्टॉक के ऊपर आज हम आ गए इंडिया मार्ट इंटरमेश के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की बात कर दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बताया कि आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 4% की गिरावट देखने को मिली दोस्तों। देखा है तो प्राइस थोड़ा हाई है। जिस रिटेल इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो में दोस्तों ऑलरेडी ये स्टॉक मतलब लॉन्ग टाइम से होल्ड होगा दोस्तों, देखा जाए तो अगर पॉइंट फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे तो बहुत हैवी लॉस देखने को मिल रहा होगा। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो 5 दिन में देखेंगे तो 5 दिन में ये कंपनी लगभग 4.25% डाउन है। 1 महीने की बात करते हैं, 1 महीने में देखा जाए तो 1.25% का रिटर्न बना के दिया है। 6 महीने की बात करते हैं तो एक फ्लैट कारोबार दोस्तों। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। कंपनी एक ही दायरे में चल रही है। एक ही दायरे में चलने का मतलब दोस्तों, आप अगर इसके थोड़ा 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो ये कंपनी बीच में जो आई थी, मतलब देखा जाए तो 4,000 के लेवल को टच नहीं किया था। वापस जो है कि यहाँ से तेजी आती, फिर जो है कि देखा जाए तो वही 4,500-4,750 के लेवल तक को टच करती है। वाई टू डेट की बात करें तो लगभग 10% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। अगर हम 1 साल की बात करते हैं दोस्तों तो 1 साल में 6%। यहाँ पे अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में कंपनी ने आज भी जो है कि 250% का रिटर्न बना के दिया है। इस कंपनी की बात करते हैं तो ये भी कंपनी जो है कि 1,325 रुपये 1,300-1,400 की प्राइस पर 5 जुलाई 2019 को मार्केट में लिस्ट होती है दोस्तों। वहाँ से लिस्ट होने के बाद देखा जाए तो ये कंपनी दोस्तों आपसे बताना चाहते कि एक्चुअल में अगर आप पकड़ेंगे तो लगभग ये 500-600-700% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया दोस्तों। मतलब 600-700% का रिटर्न बनाने के बाद रिटेल इन्वेस्टर को दोस्तों क्या है कि उनको भागता रहना चाहिए उनका स्टॉक। लेकिन दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर कब फंस गए दोस्तों इस स्टॉक में। यहाँ से इस स्टॉक में गिरावट होती है, वापस जो है कि तेजी आती है दोस्तों। मतलब बताना चाहते हैं कि तेजी आप अगर इसके देखेंगे तो वापस जो है तेजी आने के बाद यहाँ पे फिर वापस गिरावट होती है दोस्तों, तो रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं दोस्तों, बाइंग कर लेते हैं। मतलब देखा जाए तो उसके बाद ये स्टॉक कई दिनों से एक कंसोलिडेट कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ चार्ट से भी थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। मार्ट इंटर में इसकी बात करें तो ये स्टॉक देखा तो वही 4% डाउन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर हम कंपनी की बात करते हैं दोस्तों तो 11 अप्रैल 2022 को 5,248 रुपये का कंपनी का बाउन भी खाई है। एक्चुअल बताया जाता है ये कंपनी दरअसल 10,000 के आसपास जो है कि कंपनी गई थी, उसके बाद देखा है तो इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। 6 जुलाई 2022 को ये कंपनी दोस्तों 3,676 रुपये का लो लगाने के बाद देखा जाए तो वही 5,000 की रेंज में जाती है दोस्तों। देखा जाए तो कंपनी के प्रमोटर ने बाई बैक भी अनाउंसमेंट किया था बीच में। अगर हम कंपनी में डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा जो है कि वैल्यूम बनते नहीं है। सबसे बड़ा दोस्तों रीजंस होता है स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में तेजी या गिरावट के पीछे का दोस्तों वैल्यूम। देखा जाए तो इस स्टॉक में लाखों में शेयर, मतलब 1-2 लाख दोस्तों शेयर ट्रेड होकर करेंगे क्या आप देखेंगे तो मात्र 33% ही माल डिलीवरी में उठाया जाता है। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखा जाए तो इन्वेस्टर के साथ मीटिंग जो कि पुराना ही है, मार्च में ही कंपनी ने 3 बार मीटिंग अटेंड कर लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं 1-3-7 को। दूसरा अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करें तो फाइनेंशियल रिजल्ट भी कंपनी को देखने को मिले। रिजल्ट के बाद भी दोस्तों देखा जाए तो इतनी कुछ खास जो है कि गिरावट देखने को नहीं मिली है इस कंपनी दोस्तों। जो सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट होने का मतलब दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि 2 रुपये का डिविडेंड दोस्तों, 2 रुपये का डिविडेंड, डिविडेंड नहीं देना है तो वो अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन ये 2-3 रुपये का डिविडेंड भी देना देखा जाए तो एक प्रकार से निगेटिव पॉइंट है। एज ए स्टॉक मार्केट के हिसाब से, रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से मैं अपने पॉइंट से बात कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो ये कंपनी आप देख सकते हैं 10 मई को जो कि बाई बैक लाई थी दोस्तों, बाई बैक लाने के बाद भी देखा जाए तो इतना कुछ खास जो है कि प्राइस नहीं देखने को मिला। अगर हम कंपनी के प्रमोटर की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास देखा तो 49% का स्टेक है जो कि प्लेस 0 है। फंसे हैं इस स्टॉक में देखा जाए दोस्तों तो इस स्टॉक के बारे में ऑलरेडी वो जानते हैं दोस्तों, लेकिन हाँ फ्यूचर में इस कंपनी का क्या ग्रोथ होगा दोस्तों, जिससे रिलेटेड हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया मार्ट की बात करें तो ये कंपनी आप देख सकते हैं क्या है दोस्तों, फर्स्ट एंड लार्जेस्ट B2B डिजिटल मार्केट प्लेस इन द कंट्री। मतलब दोस्तों देश की पहली कंपनी दोस्तों जो कि बहुत बड़ी है, और दूसरा टूडे स्टैंड आउट एस एक गेम चेंजर। मतलब दोस्तों देखा है तो आने वाले समय में ये कंपनी जो है कि गेम चेंजर साबित हो सकती है। सेकंड, इस कंपनी का दोस्तों फ्यूचर में रोल क्या हो सकता है तो आपसे बता दें दोस्तों, ये कंपनी किसको सपोर्ट करेगी तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इंटरग्रेटिंग
द स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस, मतलब दोस्तों आपको पता है कि जो छोटी मोटी कंपनियां, देखा दोस्तों तो जो मतलब उनको ग्रो होने के लिए कुछ मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब दोस्तों मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है उस कंपनी के लिए दोस्तों, मतलब देखा है तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्मॉल एंड मीडियम साइज की जो कंपनी रहेगी दोस्तों, उसको जो है कि ये कंपनी आने वाले समय में दोस्तों मतलब थोड़ा सा क्या है कि आगे ग्रो करने का चांस हो सकता है। मतलब दोस्तों देखिए क्या है कि अभी छोटी कंपनी कोई गाँव में खुल गई दोस्तों, छोटी कंपनी कहीं दूर है तो अभी उसको दोस्तों इंटरनेट पर आने के लिए, तो अगर इनकी वेबसाइट पर वो कंपनी आ गई दोस्तों तो थोड़ा सा हो सकता है कि फास्ट वे में जो है कि वो ग्रो कर सकती है, और उसी के माध्यम से दोस्तों मतलब देखा है तो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लिए दोस्तों ये कंपनी बहुत ही अच्छा जो है कि काम आने वाले समय में कर सकती है। मतलब दोस्तों आपको क्या लगता है, आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। कंपनी की बात करें दोस्तों तो ये थोड़ी सी क्या है कि एक रिस्की कंपनी है, रिस्की कंपनी होने का मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं कि देखिए इसका थोड़ा मार्केट कैप और एक दोस्तों अदर कंपनी के मुकाबले जो भी इसका कंपटीटर आपको लगता है, सो कंपटीटर देखा जाए तो कोई है नहीं, लेकिन हाँ मेरे पॉइंट से अदर कंपनी के मुकाबले दोस्तों ये कंपनी थोड़ा सा क्या है बेटर देन है और अच्छी कंपनी दोस्तों, और एक प्रकार से आप इसको मोनोपोली भी कह सकते हैं दोस्तों। देखा जाए देखिए पहली बात तो गूगल है, बहुत बड़े बड़े सर्च इंजन्स हैं, लेकिन दोस्तों बताना चाहते हैं कि एक प्रकार से स्टॉक मार्केट के हिसाब से इस कंपनी को आप मोनोपोली बोल सकते हैं। कंपनी की अगर हम करंट प्राइस की बात करते हैं 4750 का चल रहा है, हाई की बात करें तो 5200 कंपनी का जो कि 52 भी खाई, लो की बात करें तो 3676 का है। पी की बात करें तो ये पी थोड़ा दोस्तों आपसे बता, ये पी थोड़ा सा देखा जाए तो एक्सपेंसिव है। अगर बुक वैल्यू की बात करें 622 का है। डिविडेंड कंपनी जैसा कि दोस्तों हमने आपसे बताया कि 9 के बराबर पे करती है दोस्तों। प्राइस कितना है दोस्तों, प्राइस इतना महंगा और स्टॉक में देखेंगे तो डिविडेंड कुछ नहीं, मतलब आरओसी आरओई देखा जाए तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से ठीक ठाक है। 10 का फेस वैल्यू, जैसा कि दोस्तों अभी बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हैं तो हम उनसे कह देते हैं दोस्तों। देखिए जोमेटो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इन्फो एज की बात करें तो ये भी जो है कि इंटरनेट मतलब एक टेक कंपनी दोस्तों आप इसको बोल सकते हैं एक प्रकार से। अगर यहाँ पे देखा जाए तो नायका की बात करें तो नायका भी देखा जाए तो ई कॉमर्स वाली ही कंपनी है। पेटीएम की बात करें तो पेटीएम भी एक लॉस मेकिंग कंपनी जैसा कि आपको पता है। अगर हम पाँचवें नंबर की बात करते हैं तो पाँचवें नंबर पे इंडिया मार्ट आता है। इन सब का बिजनेस दोस्तों यहाँ पे अगर हम आपसे बताना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे जोमैटो की बात करें, इन्फो इस सबका बिजनेस दोस्तों अलग है, लेकिन इंडिया मार्ट की बात करें तो इसका बिजनेस अलग है। हाँ इसका दोस्तों जो डेटा वाला कंपनी है जस्ट डायल है, जस्ट डायल की बात करें तो इतना कुछ खास जो है कि अभी तक परफॉर्मेंस नहीं है दोस्तों। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों बेसिस पे कंपनी के सेल्स में जंप ही है दोस्तों। देखा जाए तो इसको पॉजिटिव वे में मार्केट ने भी रिएक्ट किया है, अभी तक कुछ गिरावट हुई नहीं है। अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप कर सकते हैं, लेकिन हाँ कंपनी के अगर हम मार्जिन की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप ही आप कर सकते हैं। अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों बेसिस पे जंप ही है। कंपनी के पीएनएल की बात करते हो तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो कंपनी का सेल्स ग्रोइंग मोड में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दोस्तों देखा जाए तो रिसेंट का सारा जो है कि ग्रोइंग मोड में आपको देखने को मिलेगा। टीटीएम में थोड़ी सी कंपनी परेशान कर रही है जो कि आप इसके चार्ट से भी अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का देखा जाए तो ठीक ठाक है। टीटीएम में ही दोस्तों जो भी हुआ है एक साल के अंदर ही कुछ भी हुआ है। अगर हम कंपनी के यहाँ पर सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो सेल्स ग्रोथ भी कंपनी का देखा तो 20% 50% का है जो कि लॉन्ग टाइम का। दोस्तों देखिए हम आपसे बताना चाहते हैं कि जो अच्छी कंपनियाँ होती है 20% 15% का दोस्तों निकाल रही, वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि आप 50% और 40% का मार्जिन्स अगर आप निकालना चालू कर दिए, सेल्स ग्रोथ आपका हो गया दोस्तों, मतलब क्या है कि मार्केट में दोस्तों मतलब कंपटीशन बढ़ सकता है। मतलब देखा जाए तो थोड़ा सा क्या है कि ये कंपनी 20% निकाल रही, मतलब लॉन्ग टाइम में अच्छा करेगी। देखिए दोस्तों करेगी कि नहीं करेगी तो आने वाले फ्यूचर में ही देखा जाएगा, लेकिन हाँ अभी रिसेंट की बात करें तो कंपनी अच्छा कर रही थी। एक साल वाले ही इस कंपनी से परेशान है, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ जैसा कि दोस्तों हमने आपसे बताया कि आप देख सकते हैं दोस्तों कितना है प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का, देख सकते हैं दोस्तों 200% का कंपनी ने लगभग 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ निकाला है। 5 साल की बात करें तो डबल, 10 साल की बात करें तो 22% के हिसाब से निकल रहा है, लेकिन हाँ टीटीएम में कंपनी जो है कि परेशान है जैसा कि आपको पता है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो सीजीआर देखेंगे 3 साल में 27% का रिटर्न, एक साल वाले को भी दोस्तों देखा जाए तो कुछ भी परेशानी नहीं, 10% का रिटर्न बना के बैठे हैं। रिटर्न इक्विटी की बात करें तो वही 26 का है लॉन्ग टाइम का। कंपनी के अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो लगभग 2000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स है। डेट की बात करते हो तो 9 के बराबर डेट है। मतलब दोस्तों सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन क्या है कि आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी का डेट कम होते ही जा रहा है, धीरे धीरे ही कम हो रहा है दोस्तों, मतलब 9 के बराबर, मतलब देखा है तो आप इसको प्योर डेट फ्री कंसिडर कर सकते हैं।
दोस्तों इसी स्टॉक में जो सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है, सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन होने का मतलब आपसे बता देते हैं कि देखिए कंपनी इस समय स्ट्रगल कर रही है। सबसे बड़ा दोस्तों वर्स्ट कंडीशन में आप देखेंगे तो प्रमोटर जो है कि इस कंपनी के साथ खड़े हैं। देखा जाए तो अभी तक 3 क्वार्टर से उन्होंने सेल नहीं किया। हाँ, इसके पहले उन्होंने सेल किया है दोस्तों, आप देख सकते हैं उन्होंने भी जो है कि प्रॉफिट बुकिंग किया है। FIs की बात कर सकते हैं, FIs ने जो है कि माल को एक्युमुलेट किया है। रिटेल इन्वेस्टर को क्या है दोस्तों, लॉस हो रहा है, कंपनी डूब गई, कंपनी में कुछ इफेक्ट है दोस्तों। लेकिन दोस्तों बताना चाहते हैं कि जो FIs DIs जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, अभी उनको क्या लॉस नहीं हो रहा है, आप नहीं देख सकते दोस्तों, वो जो है कि माल को एक्युमुलेट करते ही जा रहे हैं। अगर यहाँ पे DIs की बात करते हैं तो DIs भी जो है कि 3-4 क्वार्टर से माल को एक्युमुलेट कर रहे हैं। स्टॉक का चार्ट देखेंगे दोस्तों तो डाउन, और यहाँ पे देखेंगे तो FIs DIs जो है कि माल को एक्युमुलेट कर रहे हैं। पब्लिक की बात करते हैं, पब्लिक जो है कि माल को सेल कर रही है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब क्या है कि उनको लॉस हो रहा है ना, एग्जिट करो नहीं तो और गिरावट हो जाएगी। मतलब दोस्तों ऐसा प्रिडिक्ट करना बंद करो, स्टॉक जो है कि आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। हमने इसके ऊपर कई बार डिटेल्स वीडियो बनाया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इंटरमेश की बात करते हो तो ये कंपनी करती क्या दोस्तों, तो ये कंपनी इंटरनेट सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करती है दोस्तों। तो ये सेकंड मतलब इसका सबसे बड़ा कंपटीटर कौन है दोस्तों, इन्फो एज की बात करते हो तो उसका बिजनेस अलग है और इस कंपनी का बिजनेस अलग है। मतलब दोस्तों ये कंपनी जो है कि बिजनेस से रिलेटेड काम करती है और वो कंपनी देखा जाए तो डायरेक्टली जो है कि टेक से रिलेटेड काम करती है। Naukri.com, शिक्षा.com, मतलब देखा जाए तो एड टेक में वो कंपनी काम करती है। अगर हम इस कंपनी की बात करते हो तो ये कंपनी आज के दिन 4% की गिरावट दर्ज किया है। 122,000 टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। लो से देखा है तो कंपनी 29% अभी भी जो है कि प्रॉफिट बना के दे रही है। कंपनी में अगर हम वैल्यूम की बात करते हैं तो जैसा कि हमने आपसे बताया कि इस स्टॉक में बहुत हैवी वैल्यूम नहीं बनते दोस्तों, लेकिन हाँ फिर भी आपसे बताना चाहते कि इस स्टॉक में देखा जाए एक फ्लैट कारोबार कई दिनों से कर रहा है ये स्टॉक। 2% की तेजी, मतलब देखा है तो बहुत हैवी अपने को तेजी या गिरावट नहीं देखने को मिलती है। और कंपनी की बात करते तो इस स्टॉक में वैल्यूम भी अच्छा खासा नहीं देखने को मिलते, फिर भी देखा जाए तो इस स्टॉक में 40% के आसपास माल भी डिलीवरी में उठाया जाए। दोस्तों इंडिया मार्ट इंटरमेश में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि देखिए जिनके पास भी है, जो रिटेलर सोच रहे हैं कि हम फंस गए दोस्तों, हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है दोस्तों तो हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, लेकिन हाँ मेरे पॉइंट से दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना। कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करते ये कंपनी आज भी जो है कि 5 साल में देखेंगे तो कंपनी ने 250% का रिटर्न बना के दिया दोस्तों, 260% का देखा जाए तो कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं है दोस्तों। इस समय बहुत सारी कंपनियां दो है कि स्ट्रगल कर रही, अगर इन्फो एज की बात करें तो, और इस कंपनी की दोनों के बिजनेस की बात करें तो दोनों का बिजनेस मॉडल देखा जाए तो सेम ही है, थोड़ा सा कुछ अलग दिख सकता है, लेकिन हाँ दोनों का बिजनेस दोस्तों सेम होने के बाद देखेंगे दोनों कंपनी का परफॉर्मेंस भी आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। हाँ, इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की दोस्तों कंपनी है, मतलब जस्ट अभी भी मार्केट में आई तो बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। इन्फो एज की बात करें तो वो बहुत पुराने समय से मार्केट में काम कर रही है। तो ऐसे में दोस्तों जिनके पास है, जो सोच रहे हैं कि हम फंस गए लॉस में, तो मेरे पॉइंट से आप मत सेल कीजिए, आपकी मर्जी है दोस्तों, आप चाहे तो अपना डिसीजन ले सकते हैं। मेरे पॉइंट से कंपनी जो है कि लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। जो रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं, आप चाहे तो करंट प्राइस से इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं। हो सकता है दोस्तों गिरावट होती है स्टॉक में, तो हो सकता है कि 4500 के नीचे भी ट्रेड कर सकता है। अगर हायर साइड की बात करें दोस्तों तो जल्दी ये स्टॉक मेरे पॉइंट से 5000 के ऊपर भी जाता हुआ दिख सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।